हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की, आप सभी की जो वैकेंसीज हैं, एक तो नई वैकेंसीज आने वाली हैं 2 से 3 दिन बाद। हम बात यहां पर करने वाले हैं आप सभी के जो फिजिकल हैं, फिजिकल कब होंगे, ठीक है। फिजिकल आप सभी के फिजिकल को लेकर एक अपडेट भी है, वो आप सभी को बताएंगे। एंड आप सभी का रनिंग जो आप सभी की होगी वो आप सभी की RFID मेथड के अनुसार होगी या फिर आप सभी का रोड पे सिंपल तरीके से होगी, चलेगा। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, चलेगा। शुरू करते हैं। तो यहां पर आप सभी का फिजिकल से रिलेटेड सारे बच्चे परेशान हैं। एक तो एग्जाम पता नहीं कब का हो चुका था, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट आया तो अब आप सभी का फिजिकल होने में प्रॉब्लम हुई है और बच्चे कम से कम 5-6 महीने से लगे हुए रनिंग कर रहे हैं, चलेगा। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मैं खुद SSC GD एंड SSC CPO, ये तो आप सभी के दोनों की जो आप सभी की रनिंग है क्वालिफाई करके बैठे हुआ हूँ यहाँ पर, तो मुझे अच्छे से पता है सारी चीजों के बारे में, चलेगा। तो आप सभी को बता दें, अभी तक जो आप सभी का कंफर्म है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आप सभी का कोई कौन सी कंपनी आप सभी का यहाँ पर फिजिकल कराने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, अभी तक जो आप सभी के सेंटर अलाउट हुए हैं उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक अभी तक 105 सेंटरों पर फिजिकल कराने की प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सभी का RFID मेथड होगा, यानी कि आप सभी के दो मेथड से आप सभी की रनिंग होती है, एक तो होता है आप सभी का चिप, ठीक है, जैसे कि चिप आप सभी के पैर में लगा दी जाएगी, चिप आप सभी के पैर में बांध दी जाती है और आप लोग आपका जो टाइम है ना वो तब शुरू होता है तब आप से लोग उस चिप को बांधने के बाद एक पट्टा होता है लंबा सा पट्टा होता है, उस पर अगर आप लोग पैर टच करके आगे जाएंगे तो आप सभी के वहां पर टाइम शुरू होगा, ठीक है। और आप सभी के जो सिंपल रनिंग होती है ना तो उसमें क्या होता है, 1, 2, 3 कहा जाता है। जो आप लोग वहां से रनिंग शुरू करेंगे तो जो वहां पर ऑफिसर है वो टाइम शुरू करेंगे अपनी वॉच में, ठीक है। आप लोग रनिंग करके जब आएंगे तो जब उसमें जब पूरा टाइम होगा ना, ठीक है, जितना आप सभी का टाइम दिया 24-25 मिनट होती है, तो उसके बाद उनकी काउंटिंग बंद होगी, ठीक है। तो वो आप सभी का सारे बच्चों के लिए सेम काउंटिंग होगी, जो आगे खड़ा है जो पीछे खड़ा है, ठीक है। जैसे कि आप सभी का, आपको बता दूं, मेरा लास्ट टाइम SSC GD का फिजिकल जब हुआ था तो उसमें वो हुआ था CRPF में, ठीक है, CRPF ने कराया था। और CRPF ने कहां पर कराया था, ये था मेरा हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम के पास में कोई CRPF का सेंटर है, वहां पर मेरा हुआ था CRPF के सेंटर पर। और वहां पर जो रनिंग थी ना वो रोड पर हुई थी, CRPF वो रोड पर हुई थी, उसके 2 चक्कर लगाने थे, ठीक है, रोड के। तो वहां पर आपका क्या था कि यहां से हमने शुरू करी रनिंग, यहां से घूम कर जाओ वापस आओ, फिर से एक और चक्कर लगाओ, ठीक है, वापस आके यहां पर वापस आने हैं, इस टाइप से वो रनिंग थी, ठीक है, 2 चक्कर लगाए गए थे। तो उसमें टाइम शुरू किया गया और भागो जाओ, ठीक है, सबके लिए टाइम एक साथ समाप्त होगा। अब क्या है, जो चिप वाला सीन है, आप लोग जिस टाइम पर शुरू करेंगे, जो लास्ट वाला बंद है 10 सेकंड बाद शुरू कर रहे हैं ना, तो वो उसका टाइम 10 सेकंड बाद ही शुरू होगा, ठीक है। और वो जब तक आएगा ना तब तक उसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं आते, लंबी रनिंग है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज आपसे भी क्या पराती है, अगर आपसे भी का ऐसे ही हुआ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो एजेंसीज देख रही है आपसे भी का अभी जो प्रोसेस है ना, तो हो सकता है कि कुछ सेंटर पर रोड पर हो, कुछ सेंटर पर आपसे भी का चिप वाली हो, ठीक है, अलग अलग सेंटर की अलग अलग प्रोसेस होती है, आपको मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपकी चिप से भी हो सकती है, वैसी भी हो सकती है, या फिर आपसे भी का सिंपल तो होगी होगी। दूसरी चीज आपके लिए एक और चीज बता दें, अभी आपसे भी का टाइम भी डिसाइडेड नहीं किया गया, क्योंकि इस बार 2 रनिंग होने वाली है, ठीक है। एक तो इनकी जो सेपरेट होती है वो तो अलग है, वो CRPF अपनी अलग अलग कराते रहते हैं, CISF अलग कराते हैं, ठीक है, BSF अपनी अलग कराते हैं। एक तो आप सभी का SSC GD के थ्रू आप सभी की रनिंग है, SSC GD के थ्रू, और SSC CPO, ये इसमें कंबाइंड होता है, SSC CPO, यानी कि सारे विभाग जो आप सभी के हैं इनमें सबके लिए वैकेंसीज होती हैं, तो इनकी जो रनिंग है वो भी सारे विभाग के लिए होती है, ठीक है, सारे विभाग आपस में मिलकर कराते हैं। तो मेरी SSC CPO का जो आपका एग्जाम हो चुका है, यानी कि मेरा भी एग्जाम था, मैंने एग्जाम करके अब उसकी रनिंग है, तो GD और CPO दोनों की रनिंग पेंडिंग है। तो बहुत जल्द, यानी कि आप सभी का लगभग सितंबर में पॉसिबिलिटी है कि आप सभी की रनिंग शुरू करा दें SSC GD की, और हो सकता है कि पहले CPO करा दें, क्योंकि CPO 4 से 5 दिन में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगता, बच्चे कम होते हैं, मगर GD में आप सभी के बच्चे काफी ज्यादा होते हैं। तो ये 100% आपकी सितंबर में रनिंग होने वाली है, ठीक है, कब तक ये कंफर्म नहीं है, और आप सभी का सितंबर में नोटिस तो हर हाल में आ जाएगा। तो आप सभी लोग अपने जो एग्जाम है उसको देने का, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसको निकालने के बाद अपनी रनिंग करते रहे हल्की हल्की,
ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है कि आपसे भी करा, पर सितंबर में रनिंग ये लोग करा देंगे, क्योंकि अगर डिले नहीं करा सकते, क्योंकि आपके 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन में, या फिर आप लोग जब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। ठीक है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट टाइम 20 अगस्त के समथिंग आपसीवी की पूरी भर्ती फाइनल हो चुकी थी, फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो आपसीवी को यही बताने कि आपसीवी का जो भी कुछ है वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, और आपसीवी का सितंबर में सारी चीजें होंगी। अभी तक कंफर्म नहीं है चिप से होगी या फिर आपसीवी का वैसे होगी। हो सकता है कि आपसीवी की दोनों तरीके से रनिंग हो, आपको मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता, 10 से 5 सेकंड का फर्क होता है, तो आप लोग उसको वैसे मैनेज करें। ठीक है, तो मैं सिंपल 1600-1700 की रनिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे कोई ऐसा प्लान नहीं था एसएससी जीडी का फिजिकल दूंगा। तो मैंने क्या करा, मैं रनिंग के लिए चला गया, वहां पर मैं थोड़ा सा वेट रुका भी जगह तक, उसके बाद एक दो बार रुका, उसके बाद मैं हिम्मत नहीं आ रही और मैं भागते रहा भागते रहा, और एसएससी जीडी की मैंने 20 मिनट में पूरी रनिंग कर ली थी, बहुत कम प्रैक्टिस से। तो अगर आप लोग लगातार भागते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, तो आप सभी का आराम से एसएससी जीडी का फिजिकल हो जाएगा। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो ये आप सभी को चीज बतानी थी। बच्चे काफी परेशान है कि आप सभी का रनिंग कब होगी, रनिंग कब होगी, फिजिकल कब होगा। तो बिल्कुल आप सभी का तैयार है, अपने जो एग्जाम है उसको भी देते रहे और इस पर भी फिजिकल पर भी फोकस करते रहे। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, यूपी पुलिस के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर सिंपल सिंपल जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर किसी ने शेयर किए थे, तो मैंने आपसे भी यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग अपने अच्छे से एग्जाम दें। हाँ, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे, उस पर मैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ, सारे एग्जाम से रिलेटेड, टोटल एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।